हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कांस्टेबल्स के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। किस तरह से आपने जो है कांस्टेबल के पेपर की तैयारी करनी है, क्या कांस्टेबल का सिलेबस होता है और उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें। जो जो कांस्टेबल इस साल कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो कि अभी सिलेबस में जो नए लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का मेन वेबसाइट है जहां पर जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सब के बारे में बताया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कांस्टेबल के पेपर की प्रिपरेशन और उसका क्या सिलेबस होता है। तो ये देखिए, अब कांस्टेबल की परीक्षा जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई है। जो पहला पार्ट है वो है प्रारंभिक लिखित परीक्षा, जो कि 300 नंबर का होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि सामान्य ज्ञान और सामयिक विषय जो होता है वो सबसे ज़्यादा नंबर अंकों का होता है। उसके बाद से आप देख सकते हैं तार्किक क्षमता 75 नंबर की और अंकिक क्षमता जो है 75 नंबर की। इससे आपको ये पता चल सकता है कि जो सबसे आसान और सबसे ज़्यादा नंबर लाने का जो मेन सब्जेक्ट है वो है आपका सामान्य ज्ञान और सामयिक विषय। आप देख सकते हैं एक एक इसमें आपको अलग अलग टॉपिक्स दिए हैं। सामान्य ज्ञान को बताया गया कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपका काम और आसान हो गया, क्योंकि अब आपको सिर्फ जैसे सामान्य ज्ञान में आपको अब इतिहास, संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के कांस्टेबल की के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर स्टेट के बारे कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, प्लस बेसिक जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, कुछ आपको पुलिस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह के सामान्य ज्ञान में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है सामयिक विषय, जिसको कहते हैं हम करंट अफेयर्स, जो अभी जो चल रहा है, मतलब आप कितना ज़्यादा जो है न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उन सब की आपको थोड़ा तैयारी होनी चाहिए। कौन से लेटेस्ट जुडिशियल डिसीजन, न्यायिक निर्णय लिए गए, कौन से बुक्स पब्लिश हुई इस साल, कौन से डिस्प्यूट्स हैं, कौन से बर्निंग इश्यूज हैं, क्या इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जिसमें चेंजेस हुए, वो आपको जो है करंट अफेयर्स में। तो ये देख सकते हैं सिर्फ आपकी नॉलेज के बेस पे आप जो है सीधे जो है 150 मार्क्स जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद से आता है आपका रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, और रीजनिंग एबिलिटी में आपको जो रीजनिंग चेक करते हैं कि आप किस तरह से जो है आपकी विजुअल मेमोरी किस तरह की है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक किस तरीके से है, आप स्पेस विजुअलाइजेशन, सो इसमें आपका पूरा का पूरा आपका तार्किक क्षमता और आपकी जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो आपका मैथ्स आ जाता है। इसमें बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूं तो आपको मैथ्स की पूरी तैयारी करनी चाहिए। कहीं से कोचिंग ले सकते हैं, कोचिंग लीजिए, क्योंकि इसमें आपकी एक्यूरेटनेस बहुत ज़रूरी है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ये आपका पहला पार्ट हो गया। जब एक बार आप पहला पार्ट क्लियर करते हैं तो आप जो है दूसरे लेवल के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, वो होता है मुख्य लिखित परीक्षा। इसमें क्या होता है, सामान्य जानकारी 100 नंबर की हो जाती है, और इसमें एक लास्ट आता है, वो आता है बोधगम्यता। सामान्य जानकारी का सिलेबस फिर वही हुआ, कोई खास चेंज नहीं है, आप देख सकते हैं। फिर मेंटल एबिलिटी जो पहले आपने किया था वो सेम दोबारा आपको थोड़ा सा टफ होगा, बट सिलेबस सेम होगा, लॉजिकल डायग्राम होगा, सिंबल, रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, फिर आपका लेटर्स एंड नंबर सीरीज होगा, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी होगा, फिर आपका ये आपके मेंटल एबिलिटी, फिर आपका रीजनिंग भी सेम ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता। अगर आपने पहले रीजनिंग की अच्छी तैयारी कर रखी है तो आपको सेम आपको करना पड़ेगा। जो इसमें एडिशन हुआ है, जो आपने पहले नहीं तैयारी की थी, वो कॉम्प्रिहेंशन होता है। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि वो एक पैसेज देंगे जिसमें कि आपको पूरा पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो कि उस पर्टिकुलर पैसेज में होंगे। आपको ये आपका देखना पड़ता है कि वो आपने कितने ध्यान से उस पैसेज को पढ़ा है, क्योंकि क्वेश्चन बड़े सटीक से होते हैं। वो ये चेक करते हैं कि आप पूरा का पूरा पैसेज पढ़ पाएँ कि नहीं, आपको याद रहता है कि नहीं, उसके बाद से आप फटाफट क्वेश्चन देते हैं। तो ये वाला चीज़ आपको एक एक्स्ट्रा तैयार करनी पड़ेगी। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि आपको कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए आपको ये चाहिए जाके। पहला और दूसरा पेपर बिल्कुल सेम है, बस एक नया एडिशन जो है वो कॉम्प्रिहेंशन का एडिशन हुआ, जिसमें कि वो चेक किया जाता है कि आप कितना ज़्यादा पैसेज को आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी आपको करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज,
न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, इन सब की आपको तैयारी करनी ही करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि जो कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।